एनाकोंडा और किंग कोबरा अगर आमने सामने आ जाए तो कौन सबसे पहले भगवान के पास जाएगा? एक किंग कोबरा का वजन लगभग 5 से 6 किलो तक हो सकता है और एक एनाकोंडा का वजन 240 किलो से 260 किलो तक हो सकता है। एनाकोंडा अपने विशाल शरीर से किसी भी प्राणी को लिपट कर उसकी जान ले सकता है। किंग कोबरा का जहर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एनाकोंडा किंग कोबरा को लिपटने से पहले किंग कोबरा ने अगर एनाकोंडा को काट लिया तो एनाकोंडा का खेल खत्म, और अगर एनाकोंडा ने किंग कोबरा को लिपट लिया किंग कोबरा के जगह पर ही मौत हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है इस लड़ाई में? मुझे तो लगता है कि किंग कोबरा ही जीत जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।